जानिए आप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि सबसे पहले निशाने पर दुश्मन के वही हैं, उसके बाद उनका परिवार है। और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की अंडरग्राउंड हुए। और इसके बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको देते हैं। ये दूसरी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि बातचीत की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, यूक्रेन बातचीत को तैयार है। रूसी न्यूज एजेंसी ताश के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, रूसी मंत्री की तरफ से पहले ये पेशकश की गई थी कि संवाद अगर करना चाहता है यूक्रेन तो फिर हथियार छोड़े, और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन बातचीत को तैयार। रूसी न्यूज एजेंसी ताश के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर अब महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि क्या अब संवाद की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ेंगे, क्या माना जाए, क्या यहां पर अब युद्ध विराम की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। जो कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से घेराबंदी यूक्रेन की राजधानी कीव तक की कर चुका है रूस, ऐसे में क्या अब यहां से वापसी मुमकिन है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बेहद खास मेहमान कर्नल दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं, और कर्नल दानवीर लगातार कल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से कल से हमने ये डेवलपमेंट्स देखे, रूस के हमले तेज होते हुए देखे, और अब इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन बातचीत को तैयार। एब्सोल्युटली, ये संभावनाएं थी कि ये बातचीत के लिए तैयार, क्योंकि बातचीत ही एक अल्टीमेट विकल्प था। ये हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी कि अल्टीमेटली बातचीत ही होगी, लेकिन ये बातचीत इस लेवल पर और इस मोड़ पर आकर होगी ये शायद अंदाजा नहीं था कि इतनी तेजी से रूस जो है कीव के ऊपर कब्जा कर लेगा। अब ये माना जा सकता है, जो अभी कुछ देर पहले बयान आया था रूस के विदेश मंत्री का, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन सरेंडर करे तो बातचीत संभव, और इसके बाद खबर आती है कि अब बातचीत जो है वो होगी, उसके लिए यूक्रेन तैयार। तो क्या माना जाए, ये सरेंडर हो गया है, इसके बाद अब बातचीत? भाई, जब राष्ट्रपति अंडरग्राउंड हो गए हैं, हाँ, तो ये एक तरीके से सरेंडर ही है। राष्ट्रपति ने आज सवेरे 11-12 बजे के वक्त ही उन्होंने कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है, तो तभी से ही सरेंडर की अटकलें लगाई जा रही थी। और ये एक तरीके से सरेंडर ही है, जब आपका सुप्रीम कमांडर ही अंडरग्राउंड हो गया तो इसका मतलब कि ये सरेंडर है, दिस इज अ सरेंडर। मैं जल्दी से अपडेट दे देती हूँ दर्शकों को, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। कुछ ही देर पहले रूस की तरफ से, वहां के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान ये आया कि पहले यूक्रेन सरेंडर करे, उसके बाद ही बातचीत संभव होगी। और अब महज चंद मिनटों में खबर ये आ रही है रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से कि यूक्रेन बातचीत को तैयार। मतलब साफ है, यूक्रेन ने रूस के सामने हथियार डाल दिए हैं, मतलब यूक्रेन ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। कर्नल दानवीर, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था ना? नाटो देशों से जो उम्मीद यूक्रेन की तरफ से की जा रही थी कि उसे सैन्य सहायता मिलेगी, इसे लेकर तो सभी नाटो देशों ने हाथ खींच लिए। हाँ बिल्कुल, और अगर ये यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने मुल्क से उसी तरीके से प्रेम करते थे तो ये इनको पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि जो भी जान माल का नुकसान हुआ है शायद उससे भी बचा जा सकता था, क्योंकि ये एक तरफा युद्ध शुरू से था। क्योंकि रशिया की जो फौजें हैं उसका मुकाबला यूक्रेन के पास बिल्कुल कतई नहीं था, और नेटो की तरफ से कोई मदद आने की संभावना नहीं थी, तो ऐसे में शायद समझदारी ये होती कि वो पहले सरेंडर कर देते। लेकिन अभी भी अगर गुरिल्ला वॉरफेयर और उस तरीके की कार्रवाई नहीं शुरू होती है तो मेरे ख्याल से अब भी अगर बातचीत होके और ये मसला सुलझता है तो ये भी आम नागरिकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए, रशिया की न्यूज एजेंसी ताश के हवाले से ये बड़ी खबर है कि यूक्रेन जो है वो बातचीत के लिए तैयार हो गया है। रूस के विदेश मंत्री की तरफ से पहले ये कहा गया था कि पहले सरेंडर करे यूक्रेन, उसके बाद ही बातचीत संभव है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि यूक्रेन ने हथियार डाल दिए हैं, यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया है। और किस तरीके से रूस की तरफ से यूक्रेन से कहा गया था कि पहले सरेंडर कीजिए तभी बातचीत संभव, जरा सुनिए। И у нас не оставалось выхода. Мирные переговоры, которые шли в Минске, Украиной были полностью заблокированы.
तो रूस जो है वो लगातार अपने रुख पर कायम रहा और आखिरकार यूक्रेन को हथियार डालने पड़े। दो दिन पहले तक यूक्रेन की तरफ से हुंकार भरी जा रही थी, हमारी मातृभूमि है, हम इसकी रक्षा करेंगे, लेकिन लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे थे कि किसी तरीके की कोई तुलना है नहीं दोनों देशों के बीच, कहां रशिया और कहां यूक्रेन। रशिया जो दुनिया की बड़ी महाशक्ति है और यूक्रेन उसके सामने टिक नहीं सकता। और इस बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट, चीन और व्लादिमीर पुतिन, मतलब रशिया के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन और चीन के प्रमुख शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, चीन और रूस के राष्ट्रपति के बीच फोन पर यह बातचीत हुई है। देखिए इस पूरे विवाद में चीन का रुख लगातार रूस की तरफ झुका हुआ नजर आया। हालांकि चीन की तरफ से यह जरूर कहा गया कि इस युद्ध में हम किसी को भी सैन्य सहायता नहीं करने जा रहे, लेकिन इस बीच यूक्रेन की तरफ से सरेंडर की बात सामने आती है और उसके फौरन बाद चीन सामने आ जाता है। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात हुई है। ऐसे में क्या इसके मायने निकाले जाएं? क्या अमेरिका हार गया है? क्या इसे अमेरिका की बड़ी हार माना जाएगा? क्या यहां से अब दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना होगी? और क्या उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आएंगे रूस और चीन? ये वो तमाम सवाल हैं अब जिनके जवाब आगे तलाशे जाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। यूक्रेन की तरफ से बातचीत की पेशकश रूस को कर दी गई है और इसके लिए रूस की तरफ से शर्त पहले ही ये रख दी गई थी कि यूक्रेन सरेंडर करे, उसके बाद ही बातचीत संभव है। तो कुल मिलाकर यूक्रेन का सरेंडर, इसके बाद यूक्रेन की तरफ से रूस को बातचीत की पेशकश, ऐसे में अब क्या माना जाए? जो हम बम बरसते हुए, मिसाइल दागे जाते हुए देख रहे थे तस्वीरें, अब उन पर लगाम लगेगा कर्नल दानवीर? हाँ बिल्कुल, अब जो बड़े पैमाने पर जो आक्रमण हो रहे थे अब वहाँ पर कमी आएगी, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि छोटी छोटी पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस अभी भी होंगी। जो भी नेशनलिस्ट लोग होंगे अभी भी उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं और वो शायद इतनी जल्दी डालेंगे भी नहीं। तो आप छुटपुट घटनाएँ फिर भी देखेंगी, लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो क्रूज मिसाइल्स दागी जा रही थी और एरियल अटैक होते थे, वहां पे टैंक नजर आ रहे थे, बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही थी, आसमान में जो फाइटर विमान उड़ते हुए नजर आ रहे थे, अब उन पर लगाम जरूर लगेगी। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक वोरा साहब, अब आगे यहां से क्या होगा? क्या यहां पर कठपुतली सरकार रूस की होगी, वो यूक्रेन पर राज करेगी या फिर कुछ और? आभारी हूँ कि आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल में शरीक होने का, और अभी जो कर्नल साहब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, पूरी तरह से सहमत हूँ उनके साथ। मैम एक कहावत है कि जब जंग होता है तो सबसे पहली मौत होती है सच्चाई की, सबके पास अपनी अफवाह होती है फेवरेट। शुरू में तो अभी कुछ देर पहले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, मैंने उनको सुना हुआ है, मिला हुआ हूँ, उन्होंने कहा कि मैं कीव में रहूंगा, मैं आखिर तक लड़ूंगा, और अब वो है कहते हैं कि अब बातचीत के लिए तैयार है। शुरू से व्लादिमीर पुतिन ने यही कहा था कि लेट अस टॉक, आप नेटो को त्याग दो और कोई समस्या नहीं है। अब मैम सवाल ये उठता है क्या होने वाला है जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ मैम। अब जो है युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है अगले 24 घंटे के अंदर कि हमने जो करना था रूस की तरफ से हमने वो कर डाला है। वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने अपने देश की धरती खो दी है, लोगों को ये पसंद नहीं है, वो डोनेस्क और लुहांस्क जो इंडिपेंडेंट मान लिया है उनको रूस ने, उसने खो दी है धरती अपनी, तो लोग उसको दोषी ठहराएंगे। मुझे लगता है युद्ध विराम होगा, वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की इस्तीफा देंगे और नई इलेक्शन के थ्रू एक नया राष्ट्रपति आएगा। आपने कहा क्या वो पपेट सरकार होगी, मैम 2014 में तक जो वहां पे राष्ट्रपति था वो प्रो मॉस्को था, उसके बाद जो लोग आए वो पोरोशेंको, पेट्रो पोरोशेंको, सबसे मिला हूं मैं तो उस इलाके में रहा हूं, तो क्या वो वेस्ट के पपेट थे, क्या वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की वेस्ट का पपेट था? इतने सारे हथियार उसको नेटो की तरफ से मिले थे, उसकी टेरिटरी पे रूस ने हमला किया था, एयरपोर्ट्स पे और जो ये डंप्स होते हैं वेपन के सबको उड़ा दिया, तभी तो आप सोचे कि अब हमारे पास हथियार नहीं है, एमुनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और ना ही कोई पश्चिमी देश
पंगा लेने आएगा रूस से यूक्रेन की खातिर, उनसे यूक्रेन से कोई खास प्रेम नहीं है। यूक्रेन का यूजफुलनेस यही था कि आप रूस के द्वार पे हैं और नेटो रूस के द्वार तक पहुंच के रूस को और तोड़ने की कोशिश। सर आपने जो विकल्प यहाँ पर दिए हैं वहां पर नई सरकार बनने के, जो आप कह रहे हैं कि साहब नया राष्ट्रपति बनेगा उस सरकार का झुकाव आप कह रहे हैं रूस की तरफ होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या रूस इसे अपने क्षेत्र में ले लेगा, अपने हिस्से में ले लेगा, या फिर इसकी आइडेंटिटी यूक्रेन की अलग ही रहेगी? और अब दुनिया के नक्शे पर दो नए देश यूक्रेन से कटकर बनना तय माना जाए? मैम सोवियत संघ टूटा क्यों था 70 साल के बाद? उसके 15 कंस्टिट्यूएंट्स थे वो सब सोवियत संघ के मेंबर, लेकिन सबकी आइडेंटिटी अलग थी। तो अगर ये कह लो, कोई कह रहा है कि रशिया हड़प कर लेगा, उसको गॉबल अप कर लेगा, वो नहीं होगा। यूक्रेन यूक्रेन रहेगा, बेलारूस बेलारूस रहेगा, और रशियन फेडरेशन रशियन फेडरेशन रहेगी। इतना जरूर होगा कि उसके द्वार तक अब एटॉमिक वेपन्स नेटो के या हैवी वेपन्स नेटो के नहीं आएंगे। बिल्कुल सर, कल जो बाइडेन साहब का जो संबोधन था उसमें तो वो कह रहे थे कि साहब यूएसएसआर का सपना पूरा करने के लिए निकले हुए व्लादिमीर पुतिन। मैं आपके पास आऊंगी, इस बीच ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि आपको बता दें यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया कि उसकी सेना ने रूस के सुखोई 35 विमान को मार गिराया है। यूक्रेन के मुताबिक यूक्रेन के MiG-29 विमान ने रूस के सुखोई 35 को मार गिराया। उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं, जरा एक बार फिर से देखिए यूक्रेन का आसमान इसमें उड़ान भरता हुआ सुखोई 35 और MiG-29, और देखिए किस अंदाज में MiG-29 की तरफ से हमला किया जाता है, और सुखोई 35 जो रूस का फाइटर प्लेन है वो जमींदोज होता हुआ नजर आता है इन तस्वीरों में। ये देखिए सीधे नोज डाइव कहते हैं, डॉग फाइट लग रही है, और डॉग फाइट के अंदर एक विमान ने दूसरे विमान को मिसाइल फायर करके गिराया है, ये देखने में नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। सिवाज साहब हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त, रक्षा विशेषज्ञ। सिवाज साहब से जानते हैं कि सर ये जिस तरीके का डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है, एक तरफ तो ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां पर आर पार का युद्ध छिड़ा हुआ है, वहीं अभी का ताजा डेवलपमेंट ये कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार, मतलब सीधे सीधे सरेंडर यूक्रेन का और युद्ध विराम की तरफ बढ़ते हुए दोनों देश। यूक्रेन की फौज मुकाबला करने के लायक नहीं थी रूस के, रूस जो था कम से कम 6 गुना ज़्यादा मिलिट्री ताकतवर था, उसके पास टैंक थे 7 गुना ज़्यादा, उसके पास एयरक्राफ्ट थे 11 गुना ज़्यादा, उसके पास जो फौज थी वो थी 5 गुना ज़्यादा। तो ऐसे में जो हमने सोचा था यूक्रेन कुछ लड़ाई लड़ेगा वो भी नहीं लड़ी। जिस प्रकार से एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ पुटिन ने अटैक किया 3 डायरेक्शन से, नॉर्थ से बेलारूस से, ईस्ट यूक्रेन से ईस्ट से, और साउथ से जो क्रीमिया और ब्लैक सी से, तो वो डायरेक्ट कीव में चले गए, कीव को घेर लिया, पूरे के पूरे एयरफील्ड को अपने काबुओं में ले लिया, और एयर सुपेरिटी के साथ आज वो दरवाजे पे खड़े हैं कीव में। और ऐसी हालात में अगले 24 घंटे में कीव गिर जाएगा, अगर कीव गिरता है तो पूरा यूक्रेन गिरता है। मैं ये कहता हूँ कि हमने सोचा था कि लड़ाई लड़ेगा यूक्रेन, यूक्रेन नहीं लड़ाई लड़ी। यूक्रेन ने 3,000 टैंक हैं, मुझे ये बताओ टैंकों की लड़ाई कहाँ हुई? इसका मतलब यूक्रेन ने हाथ खड़े कर दिए, यूक्रेन ने कोई जगह ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जो काबिले तारीफ हो। उनकी फौज के पास काफी हथियार थे जो अमेरिका और नेटो ने दिए थे। सर महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि साहब यूक्रेन को हार तो साफ तौर पर नजर आ रही थी ना, तो ऐसे में यूक्रेन का अमेरिका नाटो देशों पर भरोसा करना उसे भारी पड़ गया, या फिर यूक्रेन ने रूस को रशिया को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब भी मैं आगे अपने मेहमानों से टटोलूंगी, लेकिन इस सब के बीच मैं आपको कुछ अहम जानकारी देना चाहती हूं। इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध पर अभी तक का जो अपडेट है जरा वो जान लीजिए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, पुतिन के जासूस भी कीव के करीब पहुंच चुके हैं, ये अभी तक का अपडेट जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दो तरफ से कीव की ओर बढ़ रही रूस की सेना, पूर्वी तरफ से और उत्तरी बेलारूस की तरफ से। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कीव पर कब्जे की फिराक में है रूस,
जो दुनिया देख भी रही थी। यूक्रेन के मुताबिक 60,000 रूसी सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं। कल से ही हम देख रहे थे यूक्रेन की तरफ से एयर डोमिनेशन जो दिखाने की कोशिश की गई, और उसके बाद आज टैंक सैनिक सब घुसते चले गए यूक्रेन में। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है नाटो में शामिल देश डर गए। यूक्रेन की तरफ से दुनिया को यह संदेश दे दिया गया कि यूक्रेन को पूरी दुनिया ने अलग थलग छोड़ दिया है। रूस ने ब्रिटिश विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। कल ही यूके की तरफ से कहा गया था कि जो रूसी एयरलाइंस है वो उस पर प्रतिबंध लगा रहा है। जवाब में आज रूस की तरफ से ये एक्शन लिया गया, और इस सब के बीच अब कुछ बड़े सवाल, पुतिन के आगे यूक्रेन ने क्या सरेंडर कर दिया है? जिस तरीके से अब ये खबर आ रही है कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार, और हम सब जानते हैं शर्त बातचीत के लिए जो रूस की तरफ से रखी गई थी वो सरेंडर थी। दूसरा सवाल, क्या रूस अब यूक्रेन को अपने देश में मिलाएगा? ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसे में एक्सपर्ट्स की जो राय है वो आगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अब रूस का अगला कदम क्या होगा यूक्रेन को लेकर। अच्छा, सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या यूक्रेन में अपनी सरकार बनाएगा रूस? मतलब अब जो नई सरकार होगी क्या उसका कंट्रोल जो है वो मॉस्को रशिया पुतिन के हाथों में होगा? तो क्या रूस जीता और ये हार यूक्रेन की नहीं बल्कि क्या दुनिया इसे अमेरिका की हार देखेगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाब आगे चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। और इस सब के बीच खास तैयारी एबीपी न्यूज ने महायुद्ध पर महाकवरेज लगातार आप हमारे साथ देख रहे हैं। कुछ और ग्राफिक्स जो हमने खास तौर से आपके लिए तैयार किए हैं, जरा जल्दी से वो ग्राफिक्स ले आइए। ये आप देख रहे हैं ये सैन्य ताकत जो रूस ने दिखाई है यूक्रेन में, और अब तक कहां कहां यूक्रेन में धमाके रूस की तरफ से किए गए वो जरा आप समझ लीजिए। ये यूक्रेन का नक्शा जो हम आपको दिखा रहे हैं, और यूक्रेन का जो उत्तरी हिस्सा है जहां सीमा बेलारूस देश से लगती है, और साथ ही उत्तर और पूर्वी इलाका जहां सीमा जो है वो रशिया से लगती है, वहां से रूस की तरफ से जबरदस्त हमले किए गए। इसमें खार्किव को निशाने पर लिया गया, इसमें जो कीव राजधानी है यूक्रेन की उसे निशाने पर लिया गया, और आप देख सकते हैं क्रेमोटोर्स पर जबरदस्त बमबारी की गई, मारियोपोलो इसको निशाने पर लिया गया। ये वो तमाम इलाके हैं यूक्रेन के जहां पर चुन चुन कर खास तौर से जो प्रशासनिक इमारतें थी उन पर यूक्रेन में बम बरसाए रूस ने। इसके अलावा आप देख रहे हैं ज़ापोरिज़्या भी है, ओडिशा है। ओडिशा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यूक्रेन के दक्षिण में है, ब्लैक सी के बिल्कुल नजदीक, यहीं पर यूक्रेन का नेवल बेस, उसे तबाह कर दिया रूस ने बमबारी करके। चेर्नोबिल जहां न्यूक्लियर प्लांट है, जहां पर कई टन जो परमाणु ईंधन है उसका रिमेन्स बचे हुए हैं, और ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है जरा खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं, हम दीपक वोरा जी का रुख करेंगे, और दीपक वोरा जी से अब ये समझने की कोशिश करते हैं सर अब आगे यहां से क्या होगा। जो आपने कह दिया है और जो आपके बाकी मेहमान हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है युद्ध विराम, ज़ेलेंस्की साहब का इस्तीफा, देश छोड़ के चले जाएंगे, नया चुनाव होगा, एक प्रो मॉस्को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और वो राष्ट्रपति ऐलान करेगा कि भले ही हमारे संविधान में हो कि हम नेटो ज्वाइन करेंगे, अगले 50 साल तक उस पर हम कोई भी अमल नहीं करेंगे, शांति वहां पर वापस आ जाएगी। नुकसान अभी तक जो हुआ है वो यूक्रेन का हुआ है। यूक्रेन के लोग मैम वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को माफ नहीं करेंगे। अंग्रेजी में कहावत है एवरीबॉडी लव्स अ विनर Nobody likes a loser. वो हारा हुआ है, अब उसको ये पंगा नहीं लेना चाहिए था, इस भरोसे पर था कि पश्चिम उसकी मदद करेगा। जैसे जॉर्जिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनको मैं जानता था, मिखाइल साकाशविली में आपका राजदूत था वहां, 2008 में उन्होंने पंगा लिया इसी व्लादिमीर पुतिन के साथ, उस समय ये प्रधानमंत्री थे रशियन फेडरेशन के। और अब क्या हुआ, ये मिखाइल साकाशविली साहब ने नौकरी खो दी, अपनी जगह खो दी, सिटीजनशिप खो दी, और अब जॉर्जिया में जेल में बैठे। बिल्कुल, तो ऐसे में से बात सर अब रूस की कठपुतली यूक्रेन में बैठेगी ना, प्रो मॉस्को गवर्नमेंट। अभी क्या अमेरिका की कठपुतली थी, प्रो मॉस्को। जी से बात सर। देखो मैं यही सोचता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है, जिस प्रकार से अब सिचुएशन हुई है, अनफोल्ड हुई है, यूक्रेन के अंदर ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि प्रो रशिया होगी, और वो रशिया के कहने पर चलेगी। क्या यूक्रेन रूस का हिस्सा बन जाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि देखो जॉर्जिया आप 2008 में देखें जैसे जॉर्जिया हुआ था, ऐसा ही कुछ यूक्रेन में हुआ है। यूक्रेन जो रूस का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो रशियन ओरिजिन की नहीं है, वो एक प्रकार से रशिया की प्रो गवर्नमेंट बन के आएगा। इलेक्शन होंगे, प्रो गवर्नमेंट आएगी, और ज़ेलेंस्की जो है हो सकता है
बाहर देश से छोड़ के चले जाएं, जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड हो गए। सच्चाई यह है कि जितनी जल्दी ये कार्रवाई हो अच्छा है, क्योंकि खून खराबा होगा, ज्यादा नुकसान होगा, तो यूक्रेन जो है 10 साल पीछे चला जाएगा। ठीक है सर, सर ये हार जो है वो यूक्रेन की हार मानी जाएगी या फिर सीधे सीधे ये हार अमेरिका की हार? क्या यहाँ से अब दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा? इन तमाम सवालों पर मैं आऊंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन बातचीत को तैयार। यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो गया है, ये खबर रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से आई है। कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि रूस के मंत्री की तरफ से शर्त ये रखी गई थी कि पहले यूक्रेन सरेंडर करे। Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. तो आप सुन रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, उनका बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं आइए लोगों की जान बचाते हैं, मिल बैठकर बात करते हैं, संवाद से समाधान तलाशते हैं। इसके मायने हैं क्या दीपक जी? सवाल करिए, आपकी आवाज साफ नहीं आई मेरे को। सर ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब का जो बयान आया है जिसमें वो दुहाई दे रहे हैं कि लोगों की जान बचाते हैं, मिल बैठकर संवाद से समाधान तलाशते हैं, इसके मायने किस तरीके से देखे जाएं? सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली ना। जब शुरू से पुतिन साहब कह रहे थे मुझसे बात करो, सिर्फ कह दीजिए मैं नेटो में नहीं जाऊंगा तो कोई समस्या नहीं है, कितनी बार कहा लेकिन ये आंकड़े हुए थे। सुबह तक बयान दे रहे थे कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आखिर तक लड़ूंगा। अब डर गया, उसको पता है कि नुकसान उसका जो हो सो हो, देश का बहुत नुकसान होगा, 10-15 साल पीछे हट जाएगा, इसीलिए अब लोग भी उसको पसंद नहीं करेंगे। और अब वो मान गया है कि पश्चिमी देश भी मेरी मदद के लिए नहीं आएंगे, वहां की सेना नहीं आएगी, जो हथियार भेजे थे वो सब खत्म हो गए हैं, अब जो है मुझे रूस के साथ बात करनी पड़ेगी। एक हिंदी की कहावत है, मैं बता देता हूं, अगर आपको तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बैठ के। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, इस बीच तस्वीरें सामने आने लगी हैं, ये यूक्रेन की, वहां से आप देख रहे हैं रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन की सड़कों पर टहलती हुई नजर आ रही है और जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो रूसी सेना ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में यूक्रेन को, यूक्रेन की राजधानी कीव को ले लिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहां से यूक्रेन के पास रास्ता कोई और बचता नहीं है सिवाय इसके कि यूक्रेन सरेंडर करे। और ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है सिवाज साहब, इन तस्वीरों को देखकर तो भ्रम होता है कि ये यूक्रेन है या अफगानिस्तान। देखो ये बड़ी दुख की बात है, सच्चाई ये है कि ये जो कुछ हुआ अभी ठीक हुआ, जल्दी खून खराबा ना हो, जल्दी सरेंडर हो जाए तो यूक्रेन बच जाएगा। मगर ये भी दुख की बात है, यूक्रेन की फौज इतनी बड़ी फौज थी वो बिल्कुल नहीं लड़ी। जिस प्रकार से सोच विचार किया था कि कम से कम 3,000 टैंक्स हैं, उनके पास आर्टी गन थी 5,000 के करीब, उनके पास 2.5 लाख के करीब फौज थी, मगर उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दे पाए वो रूस की फौज को। रूस की फौज एकदम ब्लिट्जक्रिग के साथ तीन तरफ से आती हुई कीव को पूरा घेर लिया। मगर ये सच्चाई है, जो आज वो सरेंडर कर देंगे क्योंकि इनके बस का नहीं है लड़ना, जितनी जल्दी सरेंडर करें उतना अच्छा है, ज्यादा देर खून खराबा होगा, नुकसान होगा, यूक्रेन का होगा, 10-15 साल पीछे चला जाएगा, वो किसी के फायदे के लिए नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये नेटो और अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी, भूल थी और उनकी ये हार है। और आज अमेरिका को समझना चाहिए, जो बाइडेन ने एक पुअर लीडरशिप का नुमाइंदा किया अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर भी। बिल्कुल सर आप बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है इस पर दीपक वोरा जी का भी एक रिएक्शन लेते हैं कि अफगानिस्तान में भी इसी तरीके से जो बाइडेन साहब गच्चा खा गए थे, अफगानिस्तान में तालिबान घुसता चला गया था और अब उसी अंदाज में यूक्रेन में यूक्रेन की सेना भाग रही है और रूस के सैनिक दंदनाते हुए सड़कों पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक वोरा जी, यही तो गलती हमेशा वो लोग करते हैं ना, इतिहास का सबक यही है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। एक सवाल जो मुझे समझ नहीं आता, अगर पुतिन साहब लोग कहते हैं 2 साल पहले उसने फैसला कर लिया था कि यूक्रेन पर हमला करेगा, तो जब अमेरिका दुम दबा के भाग रहा था पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान से, उस समय कर देता, अमेरिका को कुछ और काम नहीं था। पुतिन ये जो बाइडेन साहब की अपनी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है, बुजुर्ग हैं, उनके बेटों की बिजनेस डीलिंग थी यूक्रेन में, बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, लेकिन ये जरूर है कि उत्साया गया। और मैम मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया गया है रूस के रिफ्लेक्सेस को टेस्ट करने।
ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और इस बीच ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, किस तरीके से पहले ऐसा लग रहा था कि लड़ेंगे, यूक्रेन की सेना लड़ेगी, वो मोर्चा संभाल रही थी, लेकिन उसके बाद देखा क्या तस्वीरों में कैद ये हुआ कि भागते हुए नजर आ रही है यूक्रेन की सेना, अपने हथियार उठाकर, अपना सामान उठाकर यूक्रेन के सैनिक भागते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी जो वोरा साहब कह रहे थे कि साफ तौर पर बलि का बकरा यूक्रेन को बनाया गया रूस की क्षमता को भापने के लिए, नापने के लिए, तो कुल मिलाकर दीपक वोरा जी और सिवाक सर, आप दोनों से ही जानना चाहती हूं कि दुनिया इसे यूक्रेन की हार के तौर पर याद रखेगी या फिर ये अमेरिका की हार के तौर पर ही दर्ज होगा। मैं तो ये समझता हूँ ये अमेरिका की हार के लिए दर्द होगा। जिस प्रकार से जो बाइडेन क्या लीडरशिप थी, बहुत पुअर लीडरशिप थी, जब वो नेटो कंट्री हेल्प नहीं करना सकती थी यूक्रेन को क्योंकि वो नेटो का हिस्सा नहीं था, तो वो इसको क्यों एनकरेज करते रहे, वो इस स्थिति पर लेके क्यों नहीं आए? क्या उनको अंत नहीं पता था कि पुतिन युद्ध करेगा और पुतिन ने एक बार युद्ध कर दिया तो यूक्रेन इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा? तो आज हुआ क्या है, आज मुझे लगता है जो बाइडेन की जो छवि है और भी गिर गई है। डोमेस्टिकली जो उनकी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही थी, आने वाले समय में और भी ज्यादा डाउन हो जाएगी। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन के आया है जहां पर रूस और चीन बहुत नजदीक आ जाएंगे, वो वर्ल्ड के लिए कोई खास अच्छी चीज नहीं है। मुझे लगता है चीन जैसा देश ताइवान पे और थोड़ा सा बोल्ड हो सकता है, वो एक खतरे की घंटी है। और इसी प्रकार साउथ चाइना सी में, और हमें भी ध्यान देना पड़ेगा अपने जो लद्दाख के बॉर्डर में, और ये जो गठजोड़ है चीन और रूस का, अब ये एक बहुत बड़ा माइटी गठजोड़ बन के आएगा जो कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को दर्शाता है। बिल्कुल दीपक बोरा सर, अमेरिका नाटो के सारे कैलकुलेशन जीरो, अमेरिका नाटो जीरो साबित हुए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, नेटो के जो मुल्क हैं, जो उसके मेंबर्स हैं 30 के जितने भी हैं, क्या मोहब्बत है उनको यूक्रेनियंस के साथ। 30 साल पहले तक तो यूक्रेन जो था वो सोवियत संघ का हिस्सा था, 60 से 70 लाख यूक्रेनियन दूसरे विश्व युद्ध में लड़े थे सोवियत संघ की सेना में, उनकी इतनी मोहब्बत कहां से एकदम आ गई? उनका टारगेट यूक्रेन नहीं, उनका टारगेट रशिया था, और इसीलिए रशिया का टारगेट, जैसे जनरल साहब ने स्पष्ट रूप से कहा, रशिया का टारगेट यूक्रेन नहीं, वेस्टर्न अलायंस नेटो है। सीधी सी बात है। बिल्कुल, मुझे लगता है कर्नल दानवीर को भी आना चाहिए। कर्नल दानवीर, इस बीच हम आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो कुछ वक्त पहले तक हथियार बांटने की बात कर रहे थे, यूक्रेन के लोगों को हथियार बांटने का वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो आम यूक्रेन के नागरिक हैं उन्हें हथियार मुहैया कराया जा रहा था। यूक्रेन के प्रशासन की तरफ से अपने नागरिकों से ये अपील की जा रही थी कि वो बोतलों के अंदर ज्वलनशील पदार्थ भर के रखें और वो जो देसी बम होते हैं एक तरीके से अपने घरों में वो बनाएं, और जैसे ही रूसी सैनिकों को देखें उन पर वो बरसाना शुरू कर दें। मतलब एक तरीके से अपने नागरिकों को भी वो इस युद्ध में इस्तेमाल करना चाहते थे। और कहां अब बड़ी खबर ये कि यूक्रेन के जो अपने सैनिक हैं वो जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी ये मामला लंबा खिंचेगा, अभी यूक्रेन इतनी जल्दी हथियार डालने वाला नहीं है, अभी यूक्रेन जो है वो रेजिस्टेंस दिखाएगा, अभी यूक्रेन जो है वो रूस का सामना करेगा, क्योंकि यहां यूक्रेन हथियार अपने आम नागरिकों को भी बांटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन हुआ क्या? हुआ इससे बिल्कुल उलट। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, खबर आती है कि वो अंडरग्राउंड हो गए, और उनका बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए संवाद से ही अब वो समाधान तलाशेंगे। और ऐसे में अब दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि इसके लिए इतना लंबा इंतजार आखिर क्यों किया ज़ेलेंस्की ने? ये हथियार किस काम के कर्नल दानवीर? इन्हें बांटने की जरूरत क्या थी? देखिए, ये इन्होंने बांट दिए हैं और अभी अंडरग्राउंड खुद हो गए हैं वहाँ के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। अब इसका मतलब है कि कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो गया है। जिन जिन के पास हथियार हैं ये सब अपने आप के ही मालिक हैं। तो क्या ये सारे के सारे हथियार डाल देंगे या इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो रूसी सेना के ऊपर हथियार चलाएंगे? अगर ऐसा होता है तो क्लोज क्वार्टर बैटल काफी ब्लडी होने की आसार बढ़ जाते हैं, जो कि
आम यूक्रेनियन के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। तो मेरे ख्याल से जेलेंस्की को जल्द से जल्द अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए सरेंडर की, इन जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगी और सीधे आपको लेकर चलते हैं वॉर जोन। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय यूक्रेन की राजधानी कीव से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, सरेंडर की खबर यूक्रेन की तरफ से, कुल मिलाकर पिछले चंद घंटों में राजधानी कीव जहां पर आप मौजूद है, डायनामिक्स कैसे बदला है? जेलेंस्की अंडरग्राउंड हो गए? बिल्कुल, मैं लगातार आपसे रोमाना ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर पल पल स्थिति बदल रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय हम भारतीय दूतावास के ठीक सामने खड़े हुए हैं और भारतीय दूतावास के बाहर भी जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो सुरक्षा यहाँ पर जो थी वो फिलहाल छिनती जा रही है, कम नजर आ रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर धमाकों की आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमने जिस मेट्रो स्टेशन का सहारा लिया, तमाम मेट्रो स्टेशन जो हैं अंदर वो एक तरीके से बंकर बने हुए हैं। लोग जो आम रिहायशी हैं, आम नागरिक हैं, वो मेट्रो स्टेशन के अंदर हैं इस समय, अपने घरों से हट के वो परिवार अपने परिजनों के साथ में मेट्रो स्टेशन के अंदर हैं। साथ ही बाहर आम नागरिक भी हथियार लेकर नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सिचुएशन बताती है कि लोगों के अंदर कितना डर है। आधी रात के बाद जिस तरीके का बयान ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया था, उन्होंने कहा था कि मैं कीव में ही हूँ, मेरा परिवार कीव में है, लेकिन जो सबोटाज ग्रुप हैं वो दाखिल हो चुके हैं कीव के अंदर और मैं प्राइम टारगेट हूँ, यानी टारगेट नंबर वन हूँ, मेरा परिवार टारगेट नंबर टू है। तो इस तरीके की बातें ज़ेलेंस्की ने की थी। वो एक तरफ अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरीके से टूटा है और किस तरीके से रूसी सेनाएं लगातार बढ़ती हुई कीव की तरफ पहुंची हैं, बेलारूस से दाखिल होकर या डॉनबास के इलाके से, जिस तरीके से खारकेव से लेकर मरियापोल से लेकर मेलियापोल तक इन तमाम इलाकों से रूसी सेना की कार्रवाई हुई है, क्राइमिया की तरफ से हुई है, यानी दो तिहाई से ज्यादा इलाके के ऊपर एक तरीके से रूस का लगातार अटैक हुआ है। और अब कुछ ही घंटे की बात है कि राजधानी कीव में रूसी सेना दाखिल होने के बाद क्या करेगी, किस तरीके के डायनामिक होंगे, ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर एक अजीब से डर का सन्नाटा कहा जा सकता है, जिसको चीरते हुए केवल धमाकों की आवाज सुनाई देती है। रोमाना, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी प्रणय उपाध्याय दे रहे हैं कि देखिए अभी भी रह रहकर राजधानी कीव में धमाकों की आवाज गूंज रही है। एक तरफ यूक्रेन जिसने बातचीत की अपील कर दी है, लेकिन बातचीत की अपील के बावजूद रूस की आक्रामकता जो है वो लगातार बनी हुई है, रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव है। और ऐसे में दीपक वोरा जी, पुतिन चाहते क्या? शुरू से एक ही चीज कही है और उसको कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा मुझे आपकी धरती नहीं चाहिए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा देश हूं। 10 घंटे लगते हैं ईस्ट से वेस्ट जाने को रूस में जहाज में। भारत में अगर आप फ्रॉम द एक्सट्रीम ईस्ट एक्सट्रीम वेस्ट जाओ तो 3.5 घंटे लगते हैं, वहां 10 घंटे लगते हैं। धरती का वो भूखा नहीं है, यूक्रेन के पास कोई खास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बस वो अपनी सिक्योरिटी और इज्जत चाहता है। सिक्योरिटी कि रूस को, रशियन फेडरेशन को किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं होना चाहिए। एक चीज आपको बता देता हूं मैं, आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पुतिन जो चाहते हैं वही हासिल करते हुए वो नजर भी आ रहे हैं। सीधे फिर से आपको लेकर चलते हैं वॉर जोन प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, पुतिन के जो मंसूबे हैं वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से, जिस तरीके का प्लान एग्जीक्यूट राष्ट्रपति पुतिन ने किया वो निश्चित रूप से कामयाब होता हुआ अब नजर आ रहा है। क्योंकि जिस दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, पहली बात तो ये कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया ने कार्रवाई अथोराइज की, अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के आदेश दिए, और दूसरी बात जितना भरोसा शायद यूक्रेन कर रहा था कि जो पश्चिमी देश हैं या नाटो है वो उसकी मदद के लिए आगे आएगा, सिवाय आर्थिक सैंक्शंस के एक युद्ध के मैदान के अंदर अगर कोई आक्रामक कार्रवाई कर रहा है तो उसे रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई आर्थिक सैंक्शन से नहीं हो सकती। और ये यूक्रेन को भी समझ में आ गया, जो बातचीत की पेशकश है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती है कि यूक्रेन के सामने अब विकल्प बहुत कम बचे हैं। ये सही है, गलत है, किस तरीके से हुआ, उसमें रूस का पक्ष क्या है, यूक्रेन का पक्ष क्या है, इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से अगर आम नागरिकों की जिंदगी बचाने का सवाल हो तो ऐसे में यही विकल्प बचता है जिसके अंदर मारकाट कम से कम हो, खून खराबा कम से कम हो, उसे कैसे रिड्यूस किया जा सके। कोई भी नेता जो है वो उस विकल्प को चुनता है जिसके अंदर सरेंडर से भी अगर शांति आती है, बातचीत की टेबल पर आता है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से बातचीत की पेशकश जो है वो एक 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 खोखली एक्सरसाइज इसलिए है
क्योंकि यूक्रेन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट नहीं कर रहा है बल्कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से नेगोशिएट कर रहा है, यानी उसके पास ऑफर करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए विक्टर्स जस्टिस जो है वो प्रिवेल करता है, यानी जीता अगर रूस कब्जा करने पर कामयाब होता है, वो इस तरीके से इस इलाके के अंदर दाखिल होता है, तो रूस तय करेगा कि वो किन टर्म्स के ऊपर और किस तरीके से बात करेगा। और जिस चीज का अंदेशा कई डिप्लोमैट्स, कई रणनीतिक जानकार लगा रहे हैं, उनका यह मानना है कि इस कार्रवाई के बाद, जैसा एंबेसडर दीपक वोरा भी कह रहे थे, कि लगातार रशिया एक ही चीज चाहता है, नाटो उसके दरवाजे पर नहीं आना चाहिए, और यूक्रेन को वो लगातार इस चीज की हिदायत दे रहा था कि वो रूस के खिलाफ एक एंटी रशिया स्टेट बनाने की जो कोशिश है उसकी जमीन यूक्रेन नहीं बनना चाहिए, उन्हें केवल इतना चाहिए। और जो डॉनबास और लोहांस के इलाके को उन्होंने एक अलग देश बनाने की जो घोषणा किया, उसका जो रिकॉग्निशन किया, वो भी एक बफर जोन बनाने की ही कोशिश है कि नाटो और रशिया के बीच में एक बफर जोन क्रिएट हो सके, और उसको अगर मौका मिलता है तो वो चाहेगा कि ये बफर जोन और बड़ा हो और ज्यादा बढ़ा जाए। बिल्कुल, लेकिन प्रणय उपाध्याय, अगर अभी के हालात में बात की जाए तो फिर यूक्रेन के पास तो तोलमोल की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता सरेंडर का, और उसी की तरफ यूक्रेन ने कदम आगे बढ़ा दिए, बातचीत की रशिया से पेशकश यूक्रेन ने कर दी है, तो फिर पुतिन की तरफ से इस युद्ध का अंत कब? प्रणय, आपसे ही मेरा सवाल है, युद्ध का अंत कब? जी जी, देखिए युद्ध का अंत कब होगा ये तो पुतिन तय करेंगे, या ये हालात तय करेंगे किस स्थिति के अंदर सरेंडर होता है, किस तरीके से रशियन सेनाएं जो हैं वो यूक्रेन में दाखिल होने के बाद क्या वो संसद की तरफ जाती हैं, वहां पर अपना एक निजाम काबिज करते हैं, या कोई एक इंट्रिम गवर्नमेंट बनती है। ये तमाम वोलेटाइल डायनामिक है, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको जिस जगह पर दिखाऊं, ये रिहायशी इलाका है, इंडियन एम्बेसी के ठीक पास का इलाका है, और ठीक मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो लोग अभी भी यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सामान लेकर लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, लोगों को खतरा है, लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर से बाहर, क्योंकि यहां पर रशियंस के आने के बाद क्या होगा, किस तरीके की चीजें होंगी, इसकी आशंका तमाम पूरे शहर के अंदर देखी जा सकती है। भारतीय दूतावास के ठीक पड़ोस में वो स्कूल है जहां पर सैकड़ों भारतीय छात्र जो हैं उन्हें ठहराया गया है, ठीक पीछे वो जो स्कूल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उसी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर 300 से ज्यादा करीब भारतीय छात्र यहां पर मौजूद हैं, अलग अलग इलाकों से यहां पर पहुंच रहे हैं, और भारत की चिंता इस चीज को लेकर है कि इन भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी कैसे हो सके, इन्हें यहां से कैसे निकाला जा सके। रोमानिया का बॉर्डर से आज स्टूडेंट्स को निकालने का, लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है, लोगों को यहां से निकाला गया है, और हंगरी के बॉर्डर से भी कोशिश होगी भारत की कि वो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल सके। आगे आपके पास लौटूंगी प्रणय उपाध्याय। इस बीच बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर जो जबरदस्त बमबारी की है उसका सबसे ताजा वीडियो एबीपी न्यूज पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। देखी, ये जो बमबारी रूस की तरफ से यूक्रेन पर की जा रही है उसकी सबसे ताजा तस्वीरें हैं, और इसमें देखिए दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं, और जो गूंज है इन धमाकों की उनको सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान जहां पर ये रॉकेट गिरेंगे वहां पर पहुंचाएंगे, नेस्त तो नाबूद पूरे इलाके को कर देंगे। जरा समझते हैं हम कर्नल दानवीर से कि आखिरकार ये किस तरीके का हथियार है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और रूस की स्ट्रैटेजी क्या दिखा रही है। देखिए, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हैं, इनको ग्राड बोला जाता है, और ये भारत के पास भी हैं। इनका इस्तेमाल ऑफेंसिव पे जो फोर्सेस हैं उनकी सपोर्ट में किया जाता है, और ये मेरे ख्याल से, मेरे को अभी अच्छी तरह याद नहीं है, शायद एक मिनट में एक रॉकेट लॉन्चर से 40 तक रॉकेट जो हैं दागे जा सकते हैं। ये मेरे को अभी क्लियरली बिल्कुल मालूम नहीं है कि कितने क्या हैं, बट
तकरीबन इस तरीके से, यानी कि आप पर सर ये जो रूसी सैनिक नजर आ रहा है और वो तो सेल्फी के अंदाज में, हाँ मतलब, वो बेसिकली मैसेज दे रहा है कि देखिए हम कितने जोर से हम दस्तक दे रहे हैं, ये कितना जबरदस्त हमला है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे लगता है जरा सिवात सर, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो सर कि यहाँ पर रूसी सैनिक नजर आ रहा है सेल्फी के अंदाज में, हंसता मुस्कुराता उसका चेहरा, और ऐसा लग रहा है जैसे ये जो रॉकेट लॉन्च होने की आवाज है वो उसके कानों में किसी तरीके के संगीत की तरह बज रहा है और वो उस पर थिरक रहा है। देखो ये बिल्कुल वो एक दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट करके कि जो रशियन फोर्स है उसने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च से रॉकेट को दागा है कीव की तरह, और एक तरीके से कॉन्फिडेंस है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यूक्रेन की जो फोर्स हैं वो हाथ खड़ा कर देगी। और मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई है, चारों तरफ से घेर लिया है कीव को, और ये एक काबिल तारीफ है जिस प्रकार से उन्होंने ब्लिट्ज़क्रिग करके बेलारूस से, डोनबास के इलाके से, और इसके बाद नीचे से क्रीमिया और ब्लैक सी से जल्दी से जल्दी उन्होंने कीव में पहुंचे हैं, कीव को पूरा घेरा डाल दिया है, पानी और बिजली उसका बंद कर दिया है, और धीरे धीरे अब वो कीव के अंदर की तरफ आ रहे हैं। मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, अगले 24 घंटे के अंदर अगर सीज फायर नहीं होता तो वैसे भी जो रशियन फौज हैं पूरे के पूरे कीव को कंट्रोल कर लेगी। जब कीव गिर जाएगा तो इसका मतलब यूक्रेन गिर जाएगा। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, वक्त तो है नहीं, और ये बात यूक्रेन को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है कि ना उसके पास वक्त है ना ही उसके पास कोई विकल्प है, और इसीलिए सरेंडर और बातचीत की पेशकश जो यूक्रेन की तरफ से कर दी गई है। और वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव से लगातार हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मौजूद है। प्रणय, ये वीडियो जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर, रूसी सैनिक थिरकता हुआ रॉकेट्स की धुन पर, कुल मिलाकर क्या ये रूसी सेना के विजय का वीडियो है? देखिए साई वॉर हमेशा चलती रहती है, लड़ाई के मैदान के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है, और इस तरीके के वीडियो से जो दुश्मन है या जो अपोनेंट है उसका मोराल तोड़ने की कोशिश की जाती है, उसका जो मनोबल है वो तोड़ने की कोशिश की जाती है। ये एक तरीके से दिखाने की कोशिश है कि रूस के सामने यूक्रेन की सेना कुछ भी नहीं है, और इस मिलिट्री माइट के साथ में रूस दाखिल हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हिसाब से अगर हम रोमाना बात करें तो ये एक बार फिर इसने साबित किया है कि महाशक्तियाँ अपने मन मर्जी से अपने तौर तरीकों से चीज़ों के नियम तय करती हैं, नियम बनाती हैं, क्योंकि यूक्रेन के संकट ने एक बार फिर दिखा दिया है कि रूस की शक्ति के आगे जिस तरीके से तमाम केवल मान मनोबल हुई, बातें हुई, लेकिन कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि यूक्रेन के जो तर्क हैं या यूक्रेन की जो बातें हैं उसको बचाने के लिए कोई कवच तैयार किया जा सके। और आखिरकार रूस ने वो कर दिया जिसके बारे में वो आगाह कर रहा था कि ऐसा ना हो, ऐसा मत करिए, यूक्रेन को वो चेता रहा था, लेकिन वो ना होने की स्थिति में रूस ने जिस तरीके से सैन्य अभियान को अंजाम दिया है, कीव वो दाखिल हो रहा है, और कीव पे कब्जा करने के बाद वो आगे की तैयारी, आगे की व्यवस्था रूस तय करेगा, मॉस्को तय करेगा, पुतिन तय करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था होगी, क्योंकि 2013-14 में रोमाना आपको ध्यान होगा कि ये जो सारा झगड़ा है, जो सारा मसला है, ये यानुकोविच के समय में इसी मसले के साथ शुरू हुआ था जब रूस से अलग हटके यूरोप की तरफ बढ़ने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की गई थी, और उसके बाद से ही ये सारा झगड़ा बढ़ा था। तब क्राइमिया अलग हुआ, और उसके बाद 8 सालों के अंदर 2 टुकड़े तो यूक्रेन के कर ही चुका था रूस, लेकिन अब लगभग पूरा यूक्रेन उसके कब्जे में होगा। अगर कीव गिर जाता है तो जिस तरीके से रणनीतिक जानकार कह रहे हैं कि कीव के गिर जाने के बाद, राजधानी के गिर जाने के बाद यूक्रेन के पास बचता नहीं है, और सही चीज़ यही होगी कि बातचीत की मेज़ के ऊपर अगर रूस तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है, तो वो स्थिति आ जाए। क्योंकि इस समय तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीर रिहायशी इलाके के बीच के उस पार्क की है जहां पे यूक्रेन के बच्चे खेलते हैं, उनकी रौनक होती है, लेकिन इस समय यहां पर केवल वीरानी है, सन्नाटा है रिहायशी इलाकों के अंदर, सभी जगह पे केवल मकान बंद हैं और लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, और जो कुछ नजर आता है, जो कुछ दिखाई देता है, वो दूर से उठता हुआ धुआं है और बम के धमाकों की आवाज़ है। बिल्कुल, और इस सबके बीच दुनिया के नक्शे पर रूस जो है वो और मजबूती के साथ उभरा है, और साथ ही रूस की इस मजबूती ने कमजोरी की कलाई खोल कर रख दी है अमेरिका और बाकी नाटो देशों की। और इस सबके बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको दे देते हैं एबीपी न्यूज पर, इस वक्त की बड़ी खबर यूएनएससी के अंदर जो रूस के खिलाफ अमेरिका प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, रूस ने उस मामले में भारत से समर्थन की मांग की है। कल ही रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 20 से 25 मिनट के आसपास बातचीत हुई है।
जिसमें हम सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान दीपक वोरा जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि भारत से मदद रूस की तरफ से मांगी जा रही है सुरक्षा परिषद में। भारत बराबरी के फासले पर है अमेरिका और रूस दोनों से, क्या करेगा भारत? सर, दोनों हमारे मित्र हैं, हमारे लिए ये जीरो सम गेम नहीं होता जिस तरह अमेरिकन कहते हैं कि अगर हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे अगेंस्ट हैं। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं अपनी विदेश नीति में, दोनों के साथ हमारे बड़े अच्छे संपर्क हैं, रूस के साथ ऐतिहासिक हैं, अमेरिका अब हाल ही में पिछले कुछ सालों से हमारा दोस्त बना है। हमने एब्सटेन किया था जब जनवरी 31 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन मीटिंग बुलवाई थी अमेरिका ने ये सिचुएशन डिस्कस करने के लिए, क्योंकि 1 फरवरी से रूस बन रहा था रोटेटिंग प्रेसिडेंट यूएनएससी का, उस वक्त हमने एब्सटेन किया था। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ये जो पुतिन साहब ने बातचीत की है पीएम के साथ, शायद जो बाइडेन साहब भी बात करेंगे, दोनों हमारा समर्थन मांगेंगे और ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। अब दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं कि भारत की ताकत अब बहुत है, उसकी मॉरल अथॉरिटी बहुत है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एज एन इंडियन डिप्लोमैट ये चीज देखकर। हमारा रुख यही रहेगा कि लोग कहते हैं न्यूट्रल नहीं रहेंगे, हम लोग एक बैलेंस्ड अप्रोच लेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन अगर 2014 की बात करें तब क्रीमिया को लेकर जिस तरीके से रूस की घेराबंदी हुई थी उसमें भारत तो रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आया था, हमने जो सैंक्शंस रूस पर लगे थे उसका विरोध किया था, तो ऐसे में अब क्या होगा, एक बार फिर से एब्सटेन या फिर भारत पक्ष लेगा? उस समय भी 2014 में हमने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया था और रूस के राष्ट्रपति ने कहा था वी थैंक इंडिया कि उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्टिव और बैलेंस्ड व्यू लिया है। हमने ये नहीं कहा था कि आप इसको कंडेम करो, उसको कंडेम करना, किसी को गाली देना, ये हमारी फितरत नहीं है हमारी फॉरेन पॉलिसी की। हम लोग आराम से बातचीत के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं। तिरुमूर्ति साहब ने जो स्टेटमेंट दिया यही कहा है कि भाई हिंसा बंद करिए, टेबल पर बैठिए, बातचीत करिए और फैसला ढूंढिएगा। बिल्कुल, हमेशा हम यही कहते हैं। लेकिन सिवाद सर, अब सवाल यह है कि इस बार भारत ऑब्जेक्टिव फैसला कैसे लेगा, क्योंकि एक तरफ रूस की तरफ से कहा गया कि साहब उसकी जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वहीं दूसरी तरफ कल जब जो बाइडेन सामने आए तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, प्रोपेगेंडा है रूस की तरफ से, वो आक्रामकता दिखा रहा था। हमें आवश्यक नहीं है मैम डिप्लोमेसी में साइड्स लेना। कोई और बोल रहे हैं बीच में? जी सिवात सर। है और मुझे लगता है कि भारत तो है किसी का पक्ष नहीं लेगा, भारत के लिए रूस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं हम हथियार, हमारा मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट वहीं से आता है, 1971 में उन्होंने हमारा साथ दिया था। इसी प्रकार अमेरिका भी आज हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसमें कोम कासा लीमियो और अभी बेका, तो हम किसी की तरफ दुकयाव नहीं दिखाने देंगे, हम एक प्रकार से बैलेंस व्यू लेंगे। हमें यूक्रेन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे AN-30 अपग्रेड वहां से हो रहे हैं, हमारे पास टर्बाइन गैस सिस्टम वहां से आ रहे हैं, हमारा गैस और ऑयल वहां से आ रहा है। मुझे लगता है भारत को बहुत ही सोच समझ के चलना है, भारत किसी की तरफ पक्षपाती नहीं करेगा, भारत एक ही चीज बिल्कुल सर नजर रहेगी कि आखिरकार भारत का, हिंदुस्तान का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है। इस बीच एक बार फिर से आपको सीधे लेकर चलते हैं वॉर जोन प्रणय उपाध्याय के पास। प्रणय, इस वक्त का अपडेट क्या है, अभी भी सन्नाटा या फिर रह रहकर धमाकों की आवाजें गूंज रही? न केवल धमाकों की आवाजें गूंज रही है रोमाना, बल्कि धमाकों की आवाज बढ़ती भी चली जा रही है, चारों तरफ से धमाकों की आवाज रह रहकर आ रही है। इसके अलावा जिस जगह से हम देख रहे हैं आसपास लोग हथियार लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, खासतौर पर यूक्रेनियन फोर्सेस या यूक्रेनियन जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके साथ आम नागरिक भी हथियार लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम कैमरों में कैद नहीं कर सकते थे उस चीज को, लेकिन कई बार बिल्डिंग से जो है हथियारों से भरी हुई गाड़ियां हमने निकलते हुए यहां पर देखी हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से सायरन बज रहे थे इसलिए हम उसे शूट नहीं कर पाए, लेकिन ये नजारा जो है वो यहां पर बताता है कि आम नागरिकों में किस तरीके की आशंकाएं हैं, किस तरीके का डर है, किस तरीके की चिंताएं हैं, और इसीलिए लोग यहां मेट्रो स्टेशन के बाहर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो यहां पे एक बड़ा सा जो रेडियो स्टेशन है
या कहा जाए कि जो ब्रॉडकास्ट स्टेशन है उसके आसपास भी जो वहां सुरक्षा कर्मी उनके साथ आम नागरिक भी खड़े हैं हथियार लेकर, और उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं इस जगह पर रशियन फोर्सेस कब्जा न कर ले। लेकिन लगातार ये धमाकों की आवाज बढ़ती जा रही है, हालांकि यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है, यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एयर डिफेंस और साथ साथ जो उनके बचाव का जो मैकेनिज्म है वो भी एक्टिवेट है और वो रशियंस को रिपेल करने की, उन्हें पीछे हटाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, देखिए जितनी आशंकाएं जितनी चिंताएं जो हैं वो यूक्रेन के आम नागरिकों में हैं, उससे कहीं ज्यादा आशंकाएं और चिंताएं उन लोगों में जो भारतीय मूल के हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और इस सब के बीच बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। यूक्रेन में रूसी सेना का सबसे ताजा वीडियो सामने आया है, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये है वो सबसे ताजा वीडियो, देखिए किस तरीके से यूक्रेन कीव की घेराबंदी रशिया ने पूरी तरीके से कर ली है। ये कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक बख्तरबंद गाड़ियां रूसी सेना की जो खड़ी हुई हैं सड़क पर पूरी तरीके से कीव की घेराबंदी करते हुए। आप समझ सकते हैं कल की जो तस्वीरें थी उसमें एयर डोमिनेशन जो रूस की तरफ से किया जा रहा था, और आज सेना अंदर घुस गई है सड़क के रास्ते यूक्रेन में कीव राजधानी के बिल्कुल नजदीक। ये सबसे ताजा तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच हमारे साथ भारतीय छात्रा जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है नबीरा शेख, वो इस वक्त मौजूद है ये यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में, ओडिशा से हमारे साथ जुड़ रही है। नबीरा, आप जहां पर है ओडिशा में, वहां पर आज भी हमले हो रहे हैं क्या? जी नहीं, हमारे यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे हमला हुआ था, सिविलियंस के ऊपर कुछ हमले नहीं हुए थे। अभी तक हम अपने आप को लकी समझ रहे हैं कि हम ऐसे रीजन में हैं कि जहाँ पे कुछ मतलब सीवियरिटी नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है सिविलियंस के अंदर। हमारे यहाँ पे एटलीस्ट शॉप्स खुली है, हम हमारी नेसेसिटीज ले सकते हैं, अनलाइक बाकी स्टूडेंट्स वो लोग बंकर में जा रहे हैं। हमें बस कल एक वार्निंग मिली थी कि अगर साइरन आपको सुनाई देता है रात को तो आपको बंकर में जाना पड़ेगा। हमें बंकर की लोकेशंस बताई गई थी, लेकिन कल बाय लक कुछ हुआ नहीं। वैसे कल एक बॉम्ब, मतलब आज सुबह 6 बजे एक ब्लास्ट हुआ था, बट वो भी मिलिट्री बेस पे हुआ था, सिविलियंस को कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, तो आप बता रही हैं कि दुकानें खुली हुई हैं, एटीएम से पैसे वगैरह विड्रॉ कर पा रहे हैं आप लोग? और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं। चीन के हवाले से ये बड़ी खबर आई है, पुतिन यूक्रेन से बातचीत को तैयार। देखिए अभी कुछ देर पहले हमने आपको ये भी बताया था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन से फोन पर बात की, और इस बीच खबर ये कि पुतिन यूक्रेन से बातचीत को तैयार हो गए हैं। प्रणय उपाध्याय, बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति पुतिन बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो शर्तें तय करेंगे कि किस तरीके से यूक्रेन का नया निजाम होगा, यूक्रेन की व्यवस्था किस तरीके से होगी। और निश्चित रूप से ये जो रणनीतिक जानकारों का या कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि रशिया यहाँ पर अपनी एक पसंद की या अपनी एक व्यवस्था जो है वो यहाँ बनाना चाहेगा, जो बफर स्टेट का उसका आकलन है उसे वो इंश्योर करना चाहेगा, उसे वो सिक्योर करना चाहेगा कि यूक्रेन जो है वो एंटी रशिया स्टेट ना हो। ये यूक्रेन के लिए भी एक तरीके से रूस ने उसे एक सबक सिखाने की कोशिश की है। ये सबक कितना कामयाब होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर बातचीत की मेज पे पहुंचते हैं तो कीव तक पहुंच चुकी अपनी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर पुतिन तय करेंगे कि किस तरीके से यूक्रेन में अगली व्यवस्था होगी, यूक्रेन में किस तरीके से वो आगे की शर्तों को तय करेंगे, ये पुतिन और उनकी सेनाएं तय करेंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने ये दिखा दिया है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ या रूस के खिलाफ जाने की कोशिश की थी वो कामयाब नहीं हुई, और कितना वल्नरेबल है, कितना कमजोर है यूक्रेन, ये दिखाने की कोशिश रूस ने अपने सैन्य अभियान के जरिए की है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास प्रणय उपाध्याय। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि रूस ने किस तरीके से यूक्रेन में घेराबंदी कर ली है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। ये बॉर्डर रोड्स हैं जहां पर हर तरफ बख्तरबंद गाड़ियां रूस की नजर आ रही हैं। और इस सब के बीच बड़ी खबर, यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे करीब 40 छात्र पोलैंड बॉर्डर रवाना हुए। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सीमा से करीब 8 किलोमीटर दूर भारतीय छात्रों को छोड़ा गया है पोलैंड की तरफ से, मतलब पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जो यूरोपीय देश है पोलैंड, उसी के रास्ते कल हमने सुना था विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि जो ये पड़ोसी देश है यूक्रेन के पश्चिमी सीमा की तरफ, उस रास्ते से निकाला जाएगा भारतीय छात्रों को, वहां से उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं,
भारतीय छात्र हैं, करीब 80 की तादाद बताई जा रही है इनकी, मेडिकल की पढ़ाई ये यूक्रेन में कर रहे थे और ऐसे में अब वो पोलैंड के रास्ते इवैक्यूएट होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। हम प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, यही तय पाया गया था कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से भी फोन पर बातचीत हुई थी और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया था कि जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं उनकी सीमा से भारतीय छात्रों को इवैक्यूएट कराया जाए। बिल्कुल रोमाना, आपसे कुछ देर पहले हमने भारत के जो एम्बेसडर हैं पार्था सतपति उनसे बात की, हमने उन भारतीय छात्रों से बात की क्योंकि हम भारतीय दूतावास के ठीक नजदीक में हैं और यहीं पास में वो स्कूल है जहां भारतीय छात्रों को ठहराया गया है। एम्बेसडर ने हमें बताया कि रोमानिया के रास्ते करीब 1000 स्टूडेंट्स को और भारतीय नागरिकों को आज यहां से निकाला गया है। साथ ही अब पूरी कोशिश की जा रही है कि पूर्वी यूक्रेन और तमाम इलाकों से वेस्टवर्ड यानी पश्चिमी यूक्रेन की तरफ लोगों को ले जाया जाए। हंगरी, रोमानिया और ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इन तमाम देशों के रास्ते से भारतीय नागरिकों को यहां से निकाला जाएगा। इसके अलावा जो एयरप्लेन्स हैं वो तैयार रखे गए हैं। ये पूरा एक एयर इवैक्यूएशन ऑपरेशन होगा और इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा संकट जो इस समय आ रहा है कि कीव चारों तरफ से घिरा हुआ है, लोगों का यहां से निकलना, बाहर पहुंचना एक चुनौती है। यहां से पोलैंड के बॉर्डर करीब करीब 600 किलोमीटर है, यानी कीव से 600 किलोमीटर पहुंचना होगा भारतीय नागरिकों को अगर वो इस देश से बाहर निकलना चाहते हैं। तो जो एकमात्र दरवाजा अवेलेबल है वो पश्चिमी यूक्रेन के वो देश हैं, ऑस्ट्रिया हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, उनके रास्ते वो निकल सकते हैं और उनके लिए उन्हें 600 किलोमीटर का सफर करना होगा। स्थिति यह है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है छात्रों के लिए। हमें बताया, यहां जानकारी मिली कि छात्रों के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए भी जो डिप्लोमेटिक फ्लैग की गाड़ी है वो जाती है, बड़ी मुश्किल से खाने का इंतजाम हो पा रहा है क्योंकि कीव में अधिकतर चीजें बंद हो चुकी हैं। जिन फूड वेंडर्स के जरिए खाने का इंतजाम एम्बेसी करती रही अपने आयोजनों के लिए वो भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में काफी चुनौती होगी भारतीयों को एक जगह पर इकट्ठा करके कीव से उनको पहुंचाना। इसीलिए कोशिश है कि जो लोग पश्चिमी सीमा की तरफ हैं उन्हें सबसे पहले वहां से निकाला जाए, इसके बाद जो लोग जिस तरीके से पहुंच सकते हैं उन्हें पोलैंड, हंगरी और जो दूसरे बॉर्डर्स हैं उन जगहों पर पहुंचा के और फिर उन लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए और उसको वहां से उनको विमानों के रास्ते सुरक्षित भारत पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, तो अभी ये मानकर चलिए आपकी जो एयर स्पेसेस हैं वो फिलहाल कुछ वक्त तक लॉक रहने वाली हैं और इसी वजह से जो पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के पश्चिमी सीमा पर जो लगते हैं उनके रास्ते इस वक्त भारतीय छात्रों का ये इवैक्यूएशन वापस देश लौटना जो शुरू होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और इस सबके बीच रूस का ये जीत का जश्न वाला वीडियो, साफ तौर पर रूसी सैनिक जो हैं वो अपनी जीत सामने देख रहे हैं और इसी वजह से ये जीत का जश्न जो शुरू हो चुका है। यूक्रेन की तरफ से सरेंडर बातचीत की पेशकश और बातचीत करने को राजी हैं पुतिन। चीन के हवाले से ये बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ।